हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो ड्रैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है, आपको लेकर सुबह सुबह इस पर्सन के दिल में, मन में आप क्या चल रहा है, क्या इन्होंने आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या, ये सभी चीजें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस और बस ये याद रखना होगा, रीडिंग ये जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। आपको बस और बस अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? चलिए, उनका नाम 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कैसल। सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बने हैं? स्टॉर्म, गाइड कीजिए बताइए, स्पिरिट गाइड। सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी, इनकी एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। सन बॉटम इज सोर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए। सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी के बारे में बताइए, व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी में है, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मॉर्निंग एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। कन्फेस, सॉफ्ट कॉर्नर, कम्युनिटी, बॉटम इज ड्रीम। देखिए व्यूअर्स, जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन कौन सी यहाँ पर राशियां हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे ना ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने इस रिश्ते के साथ चलना इसीलिए प्रेफर नहीं करा, क्योंकि इस इंसान को खुशियों की परवाह तो थी, लेकिन ना आपकी खुशियों की परवाह थी, ना इवन शायद एक वक्त पे अपनी खुशियों की परवाह इन्हें रही। इन्हें अगर किसी की खुशियां ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो वो उस कम्युनिटी की, उन 4 लोगों की, जिन 4 लोगों को आज तक किसी ने पहचाना नहीं है कि वो 4 लोग कौन है, ठीक है? तो मुझे मेन ना यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन में सेपरेशन, इस अलगाव के पीछे का जो रीजन दिखाई दे रहा है वो कम्युनिटी दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, कास्ट डिफरेंसेस, एज गैप का, स्टेटस का गैप है आप दोनों के बीच में, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है, आप मैरिड तो हैं, लेकिन वो होता है ना कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी कि वो ऐसे कर रहा है, आपका पार्टनर ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, मॉडर्न सोच है। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 लोगों की खुशियों की परवाह के चलते इस इंसान ने इस तूफान को अपनी जिंदगी में आने से रोका नहीं, बजाय इसका वेलकम इन्होंने करा। और यहाँ पर इस तूफान ने किस तरह से आपको बदला, आपको बदलने के लिए मजबूर करा, ये इंसान ना उस चीज को सुबह से लेकर अब तक समझ रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस चीज को आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं, इस वे में कि समझ पा रहे हैं, इस वे में कि इन्होंने आपको खुद से, इस वे में कि इन्होंने ना आपको मजबूर कर दिया यहाँ पे अपने आप को बदलने के लिए। आप यहाँ पर जितना ज्यादा तैयार थे इस रिश्ते में फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए उन 4 लोगों से, उतना ज्यादा ये इंसान अपने आप को तैयार कर चुके थे इस रिश्ते से दूर भगाने के लिए। तो ये इंसान सुबह सुबह कन्फेस करने वाली एनर्जी में है, जिसमें खुद से इस चीज को आपके सामने कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे आप क्या चाह रहे थे, ये समझ पा रहे थे, लेकिन इन्होंने वही करा जो वो कम्युनिटी की खुशियां इनसे जा रही थी। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीजें भी फील हो रही हैं कि आपके दिल में जो पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बचा
करता था ना इनको लेकर, जिस वजह से आप कुछ वक्त यहाँ पे लड़े भी, रुके भी, आपने अपने आप को इवन बदला भी नहीं, आप बस इंतजार कर रहे थे सपनों को पूरा होने के लिए, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर भी अब आपके दिल में से इस इंसान के लिए मर चुका है। यानी कि अब यहाँ पे आप लड़ने के लिए नहीं बैठे हो, इस इंसान के लिए लड़ने के लिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए आप अब कोई फाइट नहीं करना चाहते हो। इन्हें फील हो रहा है कि अब आप भी कहीं ना कहीं थक चुके हो। यहाँ पे वेट करते करते सिचुएशंस को सही होते हुए, या इस चीज का वेट करते करते कि ये पर्सन आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ लड़ेंगे आपके साथ, दुनिया से लड़ेंगे, इन डिफरेंसेस से लड़ेंगे, इन खुशियों के लिए लड़ेंगे, इन सपनों के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब आपका मन इस चीज को लेकर पूरी तरह से तैयार हो गया, या जब आपके दिल ने ये बात पूरी तरह से समझ ली, तब से आपने ना अपने आप को बदलने में कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो ये पर्सन ना इस चीज को खुद से कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ भाई, वो जो बदली है ना, या जो वो बदला है, वो मेरी वजह से। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में ये पर्सन सुबह सुबह उस स्टेट ऑफ माइंड में है जहां पर अपने अपराध को, अपनी गलतियों को ये पर्सन खुद से स्वीकार कर रहे हैं कि आप क्यों बदले, आप क्यों नहीं रुके हुए, ये क्यों गए, या ये किन हालातों में आपको छोड़कर गए, और आपके दिल में अब इनको लेकर क्यों कुछ नहीं बचा है। उन सभी चीजों को, उन सभी गलतियों को ये पर्सन खुद से स्वीकार करने के, कबूल करने के स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, चलिए टैरो से देखती हूँ। व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। द हैंग्ड मैन एंड बॉटम इज Seven of Wands in reversed. तो यहाँ पे है Aries, Leo and Sagittarius, मेष सिंह एंड धनु राशि एंड Pisces। आप या आपके पर्सन में से कोई भी यहाँ पे Pisces हो सकता है। देखो यहाँ पर ये मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक वक्त पे डेफिनेटली इस इंसान ने बजाय युद्ध लड़ने के, इस रिश्ते के लिए, इन सपनों के लिए, इन्होंने बजाय आपके लिए लड़ने के आपको ही सरेंडर करा, इस रिश्ते को ही सरेंडर करा। ठीक है, और लड़े ये यहाँ पे डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं कह रही कि लड़े नहीं, लेकिन ये आप ही से लड़ पड़े, इन्होंने आप ही को अच्छी बुरी सुना दी, इन्होंने आप ही के सामने चीजें या अपना डार्क साइड इन्होंने दिखा दिया। उन चीजों को ये पर्सन खुद से कबूल करने वाली स्टेज पे अपने आप को पा रहे हैं। एजन की जितना ज्यादा ये पर्सन अब पीछे लौट कर देख रहे हैं आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, उतना ज्यादा इस इंसान को वहां पे ना सिर्फ और सिर्फ रेत नजर आ रही है। देखिएगा, ये जो आपके सपनों का महल था, जो आपने एक दूसरे के साथ बनाया था, वहां पे सिर्फ इन्हें रेत नजर आ रही है, या सब कुछ टूटता फूटता इन्हें नजर आ रहा है। और वही चीजें इस इंसान को, इस गलती को, इस गुनाह को, इस अपराध को कबूल करने के लिए मजबूर कर रही है कि इसके कारण ये खुद हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बजाय फाइट करने के, तब आपके सपोर्ट में लड़ने के, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। और आप कब तक यहाँ पे अकेले लड़ पाते, कब तक आप इस रिश्ते की गाड़ी को खींच पाते, तो यहाँ पर ये पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को डेफिनेटली पा रहे हैं, जहाँ पर ये मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये अपराधी हैं इस रिश्ते के बिखरने के, टूटने के, इस रिश्ते से जुड़े हुए सपने के महल को रेत बनाने में, यही पूरी तरह से कसूरवार है। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है सुबह से लेकर अब तक, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि।
यहाँ पे ना जितना भी प्यार कभी एक वक्त पे आपने इस इंसान को अपनी तरफ से एक्सप्रेस करा, आप यहाँ पे डेफिनेटली काफी ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे इस इंसान को लेकर, भावुक थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, आप ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट करते थे जितना ये अपने आप को बंद रखते थे। तो यहाँ पर ना अब जितना ज्यादा आपने भी अपने आप को बंद रखना शुरू कर दिया है, तो वो चीजें इस इंसान के दिल में इस तरह के तूफान को क्रिएट कर रही हैं कि शायद अब आपके दिल में भी इनके लिए जो भी था वो मर चुका है, वो खत्म हो चुका है। और ना सिर्फ केवल वो मरा है, छोटी मोटी वो जो एक होता है ना डीप इनसाइड फीलिंग्स रहती हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि मेरे बिना उसका क्या होगा, वो भी अब आपके दिल से इस इंसान को लेकर खत्म हो चुका है। तो वो चीजें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पे कमजोर कर रही हैं, यानी कि ये वो फैक्ट है, वो सच्चाई है जो आपके पर्सन को समझ में आ रही है। इस सच्चाई को, इस फैक्ट को इस आपके पर्सन समझ तो पा रहे हैं, और जितना ज्यादा समझ रहे हैं उतना ज्यादा ये इसको ना इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है जो किसी और के थ्रू सुनी जा रही है, ये ऐसा सुबह से लेकर अब तक फील कर रहे हैं कि ऐसा एहसास है जो इन्हें खुद से फील हो रहा है कि आपके दिल में जो इनको लेकर फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो सब मर चुके हैं। हालांकि मन में एक चीजें हैं कि शायद इन सभी चीजों को लेकर कोई आपको समझा रहा है, इनके खिलाफ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके पास कोई ऐसा भी तो रास्ता नहीं है जिसमें ये पर्सन आपसे आगे से चलकर ये चीजें बोल पाए, वो कहने की हिम्मत कर पाए, या वो हक ही आप पर अपना एक्सप्रेस कर पाए जो हक पहले इनका हुआ करता था, जो पहले आपने इन्हें दे रखा था। तो इनके दिल में ना सुबह सुबह ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है कि ये वो सच है जिसे ये खुद से इग्नोर नहीं कर सकते, या ये वो सच नहीं है, ये वो फैक्ट नहीं है जो किसी और की बातों की वजह से इन्हें फील हो रहा है, ये अंदर से इन्हें महसूस हो रहा है कि आप भी अब इस तूफान में इनका इंतजार नहीं कर रहे हो, आप भी इस तूफान से उठकर जा चुके हो, और ना सिर्फ केवल जा चुके हो, इन आपके दिल में इनके लिए जो भी थोड़ा बहुत भी था वो भी आप अपने आप से मार चुके हो। तो वो चीजें इन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर कमजोर कर रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है। फोर ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इन्हें ना कहीं ये चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं कि सबकी लीड लेने के चलते, सबके लिए लड़ने के चलते, सबकी खुशियों की ड्यूटी निभाने के चलते कहीं ना कहीं इस इंसान ने इमोशनली वे में अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लिया, या अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को, अपनी जिंदगी में आती हुई खुशियों को, या होते साथी खुशियों को इन्होंने मार दिया। क्योंकि ये पर्सन बजाय अपनी खुशियों पर, अपने प्यार पर, अपने इमोशंस पर ध्यान देने के लगे पड़े थे दूसरों के लिए लड़ने में, दूसरों की खुशियों की परवाह करने में, उन चार लोगों की जिन्हें कोई आज तक भी नहीं जानता कि वो चार लोगों के नाम क्या है। तो वो सभी चीजों का एहसास इन्हें हो रहा है तब जाके जब ये खुद अपनी जिंदगी में इसे प्यार, इमोशंस, रिश्ता सब कुछ खो बैठे, सब कुछ गवा बैठे, वो चीजें हैं। और उसके बाद अब आपने अपने आप को बदल लिया, हो सकता है अब आपने अपनी जगह तक बदल लियो, नंबर बदल लिया हो आपने अपना, ठीक है, तो काफी कुछ बदलाव आपके अंदर आया है, उस चीज को ये पर्सन फील कर रहे हैं, सपने भी आपके बदल गए हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज स्प्रेड गाइड। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज किंग ऑफ कप्स। इन्हें ना ज्यादातर चीजें ये परेशान कर रही हैं व्यूअर्स कि आप ना यहाँ पर सबसे पहली चीज तो भावनाओं में नहीं बह रहे हो, या इस रिश्ते को, इस इंसान को, इन सपनों को, सबको भावनाओं में बहकर नहीं देख रहे हो। आप देख रहे हो तो सिर्फ यहाँ पर तथ्य, आप देख रहे हो तो सिर्फ आज जो चल रही है ना सिचुएशंस, इस पर्सन का एटीट्यूड, इस पर्सन का बिहेवियर आपको लेकर, उन चीजों को आप ज्यादा देख रहे हो। यानी कि पहले आप कहीं ना कहीं इस इंसान के बोलने से पहले इन्हें समझ जाया करते थे, महसूस कर लिया करते थे, इनके शब्दों के पीछे
के दर्द को आप समझ लिया करते थे, लेकिन अब ना आप यहाँ पर जो ही आपसे बोल रहे हैं, जो इनकी तरफ से आपको दिख रहा है ना, आप उस पर भरोसा कर रहे हो और वही चीजें अब आपको बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं, या वही चीजें अब आपको भी बदल रही हैं। ठीक है, ये पर्सन इस चीज को सुबह से लेकर अब तक फील कर पा रहे हैं कि डेफिनेटली अब आप उठकर जा चुके हो, या अब आप ना अपने आप को यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाने के लिए इन्फ्लुएंस कर चुके हो, कन्विंस कर चुके हो अपने आप को। पहले क्या था आपके साथ कि नहीं मुझे यही रुकना है, इसका इंतजार करना है, वो जरूर से आएगा या आएगी, इन सपनों को पूरा करने के लिए आप इनका वेट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप अगर कुछ कर रहे हो ना तो वो बस फाइट करने के वे में कर रहे हो। यानी कि सुबह से लेकर अब तक इस इंसान को ये चीजें ज्यादा खल रही हैं कि इमोशनली वे में आपकी तरफ से जो एक अवेलेबिलिटी इन्हें समझ में आती थी कि हाँ मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, मैं भरोसा करती हूँ या करता हूँ, वो इन्हें नहीं फील हो रही है। अब अगर ये एक अपना माइंड सेट करके आपकी तरफ ऑफर देने की इच्छा भी रखें ना, या आपकी तरफ वो इच्छा अपनी डेवलप भी करके आपको दिखाएं, तो शायद अब आप रेडी नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से ना आप बिल्कुल एकदम क्लियर कट वे में जाते हुए, या एकदम इनको लेकर, हालातों को लेकर, सबको लेकर नेगेटिव होते हुए फील हो रहे हो। पहले ये आपको लेकर नेगेटिव हो गए थे और अब आप भी इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हो, और यही चीजें अब इस इंसान को आपकी तरफ से इमोशनली वे में एकदम अनअवेलेबल जैसा एहसास करा रही है। ठीक है, ये पर्सन अपने अंदर जितना ज्यादा आपकी तरफ से अनअवेलेबल होती हुई फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, उतना ज्यादा ये अपने आप को ओवर में आपके लिए सेंसिटिव होते हुए पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना भाई, देखो जिसको झाड़ पे बिठा दिया, उसे तुरंत से अगर आप झाड़ से उतार कर नीचे फेंक दोगे तो सोचो उसे क्या होगा, यार कहा तो इसने मुझे इतना प्यार दिया, झाड़ पे बिठा दिया, इतना कुछ दिया, और तुरंत से आपने उसे नीचे लाकर पटक दिया तो उसकी तो हड्डी पसली सब ऐसी की तैसी हो जाएगी ना। तो वो एहसास है, और हड्डी पसली टूटने का दर्द इस इंसान को हद से ज्यादा सता रहा है। तो वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड इनका है जो सुबह से लेकर अब तक इन्हें कर रहा है परेशान। ठीक है, कहाँ तो पलकों पर बिठा रखा था, कहाँ पलकों पर, क्या जमीन पर भी बैठने लायक अब आप इन्हें नहीं पा रहे हो। देखते हैं इस एनर्जी से, एहसास के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी हो रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स, के पर्सन इस एनर्जी से, एहसास के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा अपने मन में डेवलप कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई फील आई एम वर्दी, तो पहले तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा इनकी बेसिकली आपकी नज़रों में इज्जत है, मान है, सम्मान है, और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वर्थलेस हो गए, आपके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं रहे। आई रिग्रेट मैसिंग अप, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ मैस्ड अप कर दिया। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, और अब ये पर्सन हर जगह आपको देख रहे हैं, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इन्हें दिखाई दे रहा है। आई विल हैप्पी इफ यू चूज मी, कहना चाह रहे हैं खुश हो जाएंगे अगर आप इन्हें चुनते हो, क्योंकि अब इन्हें आप ही ना अपने लिए चुनते हुए फील नहीं हो रहे हो। आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम वरीज, और अगर ऑब्वियसली आप इन्हें चुन लेते हो तो वो जो डर इन्हें परेशान कर रहे हैं ना, ये उस डर से आजाद हो जाएंगे, उस डर से ये रिलीज हो जाएंगे, तो ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं, ये देख लेती हूँ टैरो से। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए किसी तरह के कोई एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो फर्स्ट वन इज किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन एक चीज मैं जरूर से कहूंगी कि वो जो एक इमेज इस इंसान ने आपके सामने बनाई थी ना कि एज एन ये बहुत प्रैक्टिकल है, फीलिंग लेस है, और सही गलत में फर्क करना जानते हैं, तो उस वे में ये पर्सन आपके सामने मौजूद होते हुए या इनकी तरफ से एक्शंस आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि जितना ज्यादा ये पर्सन आपके इनके लिए अनअवेलेबल होने के बाद
डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, अपनी तरफ से भी ये आपके सामने अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं जैसे ये भी अब आपके लिए कुछ नहीं रखते हैं अपने दिल में। और इसके पीछे का रीजन वही इनका ईगो, सो कॉल्ड ईगो है, तो ऐसा देख पा रही हूँ। हालांकि जो इनकी तरफ से एक्शंस आने की वजह है ना, वो यही है कि परेशान है कि आप क्यों बदल रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना व्यूवर्स 5 to 8 weeks की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। एक एटीट्यूड के साथ तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आपकी एनर्जीज को जानने के लिए इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आएगा, ये जानने के लिए कि जो इन्हें फील हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसके पीछे कितना सच और कितना झूठ है। आप इनको लेकर इमोशनल हो या अब बिल्कुल इमोशनलेस हो चुके हो, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, या इनके मैसेज ड्रॉप करने पर आपकी तरफ से जो मैसेज आता है वो तुरंत आता है, देर से आता है, हाय हेलो कहीं आता है, या बहुत कुछ जानने के वे में आता है, वो सभी चीजें काफी रहेंगी सिर्फ अपनी तरफ से एक हाय हेलो का मैसेज ड्रॉप करने मात्र से ही। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर से लेंगे, उसके पीछे का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी एंड समय भी मैं आपको बता चुकी। चलिए मैं आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर इस रीडिंग का एंड करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए आप ओवरऑल। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए और बताइए। प्लीज होली एंजल्स गाइड कीजिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कार्नोकोपिया, ब्रोकन हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो व्यूअर्स, डेफिनेटली आप इस इंसान के जाने से या इस रिश्ते के ब्रेक होने से काफी ज्यादा टूट गए हो, और यही सभी चीजें कहीं ना आपको बहुत सारे लेसन्स दे गई हैं। ठीक है, आप हो सकता है इस इंसान का वेट कर रहे हो, आप बैक ऑफ द माइंड इस चीज को महसूस नहीं करना चाह रहे हो कि अभी भी आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि आपका दिल यहाँ पर टूटा हुआ है। लेकिन सच ये है कि दिल अभी भी आपका इनसे बेनतहा मोहब्बत करता है, और अभी भी आप इन्हीं के साथ के रिश्ते में वो अबेंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी देख रहे हो जो पहले देखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन आपको अब सिचुएशंस को कैसे डील करना है, सामने वाला जैसे बोल रहा है आपको कहीं ना कहीं उसी वे में अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर ना बात उस वे में नहीं है कि एक बंदा या बंदी हद से ज्यादा इमोशनल हो रही है और एक हद से ज्यादा प्रैक्टिकल। जो जैसा दे वैसा लेना है या जैसा मिल रहा है वैसा देना है, उस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करके यहाँ पर ना अपनी एनर्जीज को तुरंत से नहीं रखना है। ठीक है, आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो होना हो यहाँ पे आप काफी टूटे हुए हो और उसके पीछे का रीजन ये पर्सन बने हुए हैं, लेकिन अब आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर तुरंत इस इंसान को अपनी तरफ से मौका नहीं देना, ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी मैं जानकारी देने में कामयाब हुई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से व्यूअर्स एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंच जाए। व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।